हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 31 मई 2024 और आज है शेड काई का। तो आज हमारा वहाँ पे प्रोग्राम है, तो हम लोग जा रहे हैं शेड काई के में। तो मैं आपको ये बता दूँ, आज से 2 साल पहले भी मैं, मेरी फैमिली, हम लोग शेड काई के में ही जा रहे थे। और वहाँ जाते जाते भाई, आप लोगों को, काफ़ी लोगों को पता भी होगा, काफ़ी को नहीं भी पता होगा, मेरा एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर, मतलब बाशिंग में हुआ था उधर जाते जाते। उस टाइम भी काई का ही लगा था। तो उस टाइम देवता जी की कृपा ये रही कि भाई हमें ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है, लेकिन अगर हुआ होता तो शायद आज ये वीडियो, ये व्लॉग नहीं बन रहा होता। और देवता जी ने चाहा तो इस साल, मतलब कि 2 साल के बाद, मेरे एक्सीडेंट के 2 साल के बाद मुझे खुद ही वहाँ पे बुला दिया दर्शन के लिए। देखा, तो उन्हीं देवता जी की कृपा से आज मैं आप सभी के सामने हूँ यार। अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम काही का देखेंगे हम, और फर्स्ट टाइम मेरा प्रोग्राम भी है वहाँ पे। तो होप सो आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग इन्जॉय करोगे व्लॉग। तो अभी मैं शीतला माता मंदिर के पास में हूँ यार, कोई भी नहीं आया अभी तक। सीरियसली देखो, यहाँ पे मेरी टीम वाले जो हैं वो बहुत ही लिचड़ किस्म के लोग हैं, मतलब लेट लतीफ़ टाइप के लोग। तो वो लोग अभी तक नहीं आए, बस उनका वेट करते हैं, फिर वो आएँगे, देन हम निकलेंगे। तो जय सियाराम, जय हो। ये देखो भाई, इन लोगों का वेट करते करते मेरी आंखें जो है ना, वेट करते करते भाई, आप लोगों का वेट किया मैंने बहुत देर, 10 बजे नहीं 8:30 बजे भाई, मैंने सुबह उठ के बाथरूम में, भाई बाथरूम में नहाने ही जाता है बंदा, और काम भी होता है बाथरूम में। हेलो दोस्तों, तो आज जा रहे हम शीट की ओर। तो आज थोड़ा लेट हो गया, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है कुल्लू मनाली में, टूरिस्ट इतना ज़्यादा कि हमारा भुवनतर ब्रिज पे वो वन वे है, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल निकलना होता है। चलो फिर भी हम पहुँच ही गए कुल्लू, अब शीट भी पहुँचते हैं, तो मिलते हैं दोस्तों। हाँ, और भाई जी हमारे टैक्सी चलाते हैं, तो अगर किसी को, कोई मेरा व्लॉग मतलब आउट ऑफ हिमाचल देख रहा है या हिमाचल से देख रहा है, तो अगर किसी को जाना हो तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट हिम एनी टाइम। ओके, बिल्कुल कुल्लू का खतरनाक प्लेस है ये। तो क्या, पहुंच गए, हमने गाड़ी इधर लगा दी है, और ये बाल काट दिए गाइस, यहां देखो, और ये लेट लतीफ आदमी हमारे बीच में, नहाना भी पड़ता है ना गाइस, क्या कर रहे हैं, नहाना भी पड़ता है, पर ये तो चले जाएंगे आगे आगे ना, बहुत स्लो चलना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मैं हूँ ना बंदे, इतनी पर देखो चलो समाज जाके कितनी स्पीड में जा रहे है ना, अब हम क्या करेंगे यार, हमसे नहीं चला जाता है यार। टूरिस्ट से यही अर्ज करना चाहता हूँ, जितने भी टूरिस्ट हैं यहाँ आके गंद ना फैलाए, क्योंकि यहाँ देखो कूड़ा कितना फैलाया है यार, सच में कचरा, ये टूरिस्ट ने बड़ा फैलाया, ये गाँव वालों ने फैलाया होगा, इतनी पीछे टूरिस्ट आएगा क्यों वैसे, आते नहीं टूरिस्ट देखो। हाँ, ये देखो छोटी छोटी, यहाँ पे वो पंखा भी होगा ना जैसा ऊपर था, हो गया चल। आप भी लेते थे पहले ऐसे खिलौने? हाँ यार, मुझे पसंद होते थे। हेलो क्या ₹50 में जानकर ग्लास अपने मोबाइल में लिखवाइए, अपने दोस्त और रिश्तेदारों के मोबाइल में लिखवाइए। कहाँ जा रहे? यहाँ से रास्ता नहीं, कहीं से ये बन गए
हेलो, कैसा लग रहा है ऊंचाइयों में आके? ऊंचाइयों में बहुत अच्छा लग रहा है, बट यहाँ पे क्राउड इतना ज्यादा है कि गर्मी बहुत लग रही है। बहुत ज्यादा मुझे बहुत ज्यादा गर्मी, मैंने जब ये गांव बहुत ठंडा है, पर फिर भी यहाँ पे जो है पब्लिक इतनी ज्यादा है कि हम लोग इस गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे हैं। और सहनीय गर्मी, सच्ची लोकल मेला है छोटा सा, दिन तो मैं भी करा सकता हूँ अपने गांव में, है ना? 10 दिन का भी कर सकता हूँ। आप पसीना पसीना हो गए हो, चर्बी बहुत ज्यादा है ना मेरे को। ओह आई सी, जय हो। ये रहा भाई स्टेज, हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। एक्चुअली मैंने तो भाई घर में भिंडी की सब्जी खाई थी, भिंडी की सब्जी खाई थी मैंने ना घर पे, बट अब परांठे खिला रहे हैं ये लोग। मैंने सारे खाए थे, सारे सुबह सुबह सारे खाए थे मैंने, तभी पेट में गराड़े होएंगे तेरे। देखो मेरा परांठा और ये लोग खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं आप लोग? चटनी, चटनी दाल चावल है, रेडी मिली दाल है, मास की दाल को और चने की दाल को रेडी मिली दाल, रेडी मिली मतलब मिक्स दाल, रेडी मिली दाल, रेडी मिली, रेडी मिली मिली, हाँ रेडी मिली, रेडी मिली, रेडी मिली। आपको नहीं दिया खाना? खाना ही नहीं। अच्छा हम परांठा खाएंगे भाई। रुको ताले दे भाई, तू रोज आपका दामा, लेकिन फिर भी सही लग रहा है हमारे में तो, पसंद ही नहीं है। और कौन सा मुजरा नहीं आता मेरे को, मुजरा मेरे को नहीं आता, ये थोड़ा मुश्किल है, नाती को जाता हूँ मैं। कब लगाया भाई जी, मैंने कहनी बहुत ये तो ये आए हमारे रिदमिस्ट जी। भाई भाई हाथ टूटा था आपका, दर्द नहीं होती आपको? माला माला खाली नहीं होने दे मेरी माला माला, ये किस माला सा एंड आ सका तू फोन है, मैंने भी तो निकाला था सामने एक टाइम था, हमने भाई सुबह भी था ये प्रोग्राम, एक टाइम होती ग्रा ग्रा मोटे नोसी नोसी नोसा सुबह दिन धूप लगा हां नहीं ये ऐप मेरे 10 बजे के बाद मेरे थका सी भाई शरीर लगा थका था हमारे साइड पे मेरे बेस में गाड़ी गाड़ी करती मती तब नहीं भाई ये रूम में ना से भी रहती नहीं, हमारी साइड आएगी ना ब्रह्मपुर में नाइट प्रोग्राम हो रहा है आज का पूरा पूरी रात के का सुबह बुलाना चिल के निकलते रहा करता हमारी तो मतलब तुम करते हो तभी तो आप था वो।
ब्रदर्स ऑर्केस्ट्रा हमारे अपने स्थानीय बच्चों का अपनी दम पर ये इतनी खूबसूरती से इस सांस को लेकर कलाकारों के साथ लोगों को झूमने में मजबूर कर देते हैं। ब्रदर्स ऑर्केस्ट्रा इसी तरह से आप अपना काम करते रहिए और हमारे दिल्ली साउंड के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्या बात है, सादगी तो हमारी जरा देखी, सादगी तो हमारी वो नहीं वो, वो नहीं वो, वो नहीं वो, वो नहीं वो, वो नहीं वो जो उनसे परे बैठे हो, वो नहीं वो जो उनसे परे बैठे हो, कोई जाके उन्हें बता दे हम उन पे मरे बैठे हैं। क्या बात है, बचा कुछ साथी सोले बूट डुलाना
गयो सजना नींद रखो के जाग के कटिया रास्ता अभी जाना सता हंसता प्यार दा ए रुता सोनिया मुड़ने ओ वाणिया तेरे बिन टूटाऊं टंडाऊं ओ तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया खाने में है कड़ी चावल सो खाते हैं एक्चुअली करी में हाथ डालो के खाते हैं आप ऐसा एंड करना है
होप्स आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट। अगर आपको इतनी कमाल का ऑर्केस्ट्रा और इतनी कमाल की सिंगर चाहिए कॉन्टेक्ट कीजिए, प्रिया जी नंबर डाल दीजिए। ठीक है, इंस्टाग्राम चाहे हो कोई भी काम याद कीजिए हमें, ब्रदर्स ऑर्केस्ट्रा, साथ में एक और सिंगर भी है जो फ्री फंड में आ जाए। नमस्कार, आज के समाचार समाप्त हुए, धन्यवाद।